हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैप्पी स्टडी लाइफ। आज के इस वीडियो में सीखेंगे दशमलव का जोड़ बनाना। जैसे कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, 37.945 में कितना जोड़ना है, 196.83 को जोड़ना है। तो इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे, तो इसको पहले हम लोग ऊपर नीचे लिखते हैं, उसके बाद हम लोग जोड़ेंगे इसको। देखिए, इसको लिखने के लिए ऐसे लिखेंगे, 37.945, उसके नीचे कितना है, 196.83 को कैसे लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो दशमलव के सामने दशमलव आप लिख दीजिए, उसके बाद देखिए दशमलव से पहले, ये दशमलव देख रहे हैं उसके पहले कितना है, 196 है, तो 196 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद दशमलव जो है उसके बाद कितना है, 8 और 3 है, तो 8 3 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद इसको जोड़ देंगे। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, ये एक देख रहे हैं, इसके ऊपर कोई भी संख्या नहीं है, तो अपने अपना मन से हम 0 में बैठा देते हैं। और ये 5 देख रहे हैं, इसके भी नीचे कोई भी संख्या नहीं है, तो इसके अपना मन से यहाँ पे भी 0 लिख देते हैं। अब चलिए इसको जोड़ते हैं। अब देखिए, 5 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 ही होगा, और 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 होगा। उसके बाद देखिए, 9 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 8 17 के 7 हासिल 1। उसके बाद देखिए, अब इसको जोड़िए, 7 में 6 जोड़िएगा, 7 में 6 जोड़िएगा, 7 6 13 के 13, आइए हासिल वाला कितना हो जाएगा, 14 के 4, 1 हासिल। उसके बाद 9 3 12, अब 12 ये हासिल 1 वाला, 13 के 3, 1 हासिल हो जाएगा। उसके बाद 1 में 0 जोड़िएगा तो 1 ही होगा, और हासिल वाला 1 जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए, दशमलव है तो दशमलव बीच में बैठा दीजिए, तो कितना इसका हो गया, 234.775 आंसर इसका आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 0.00943, इसमें कितना जोड़ना है, 4 जोड़ना है, 45.035 को जोड़ना है। तो इसको पहले हम लोग ऊपर नीचे लिखेंगे। देखिए, 0.00943, अब इसके नीचे लिखना है 45.035 को किस तरह हम लोग लिखेंगे। तो हमको बताया कि पहले दशमलव के सामने दशमलव बैठा दीजिए, उसके बाद लिखना है, दशमलव से पहले 45 है तो इसी 45 लिखिए, और दशमलव के बाद 0.35 है तो 0.35, अब इसको जोड़ दीजिए। अब देखिएगा एक बात, कि ये जो 4 है उसके ऊपर भी कोई संख्या नहीं है, तो अपना मन से 0 लिख देंगे। अब देखिए, 4 3 के नीचे कोई संख्या नहीं है, तो 0 अपना मन से लिख देंगे, क्योंकि हम लोग दशमलव के बाद 0 बैठा सकते हैं। ठीक है, तो 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 ही हो जाएगा, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही हो जाएगा, और 9 में 5 जोड़ेंगे तो 9 5 14 के 4 हासिल 1। 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 ही हो जाएगा, ये हासिल वाला 1 चला गया तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 0 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। अब ये दशमलव है तो दशमलव बिठा दीजिए, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 45.04443, यही आंसर हो जाएगा। आप लोग इसी तरह से आप लोग दशमलव का जोड़ बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए, या आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, 8.02, उसमें ऐड करना है 93.00641। इस क्वेश्चन को बना के हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। तो आई होप आप लोग के वीडियो समझ में आ गया होगा।